आपके पास एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, क्या है हमारे पास नॉर्मल कन्वर्सेशन, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन के हिसाब से आपके पास जो इंटेंसिटी लेवल आ रहा है तो किससे शो होगा, आई से, ठीक है। वो बेटा आपके पास क्या है 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। उसके बाद दूसरा जो डीबी है यानी कि डेसिबल लेवल, वो आपको कितना दिया गया। अब डिटरमाइन इसमें हमने क्या करना है, या टू फाइंड, ये आपके पास क्या आ गया गिवन डेटा, ये आपके पास क्या आ गया टू डिटरमाइन। सबसे पहले आपने एक मालूम करना है व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल, किया जाता है वो दो लाउडनेस का क्या होता है डिफरेंस होता है, उसको इससे शो किया जाता है, ठीक है। एल माइनस एल नोड, एक इंसेंट यानी कि धीमी आवाज होती है और दूसरी आपके पास लाउड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मालूम करनी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट 100 डेसिबल लेवल। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होगा, आई किसके इक्वल आ गया, फार्मूला बेटे जो आपके पास होता है एल माइनस एल नोड इज इक्वल टू, ताकि आप, अब पहले बच्चों हमने क्या मालूम करना अपना डेसिबल, ठीक है। यानी पहले आपके पास क्या आ गया इंटेंसिटी लेवल आ गया, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब यहां पे हम अपनी वैल्यूज जो है उनको दर्ज करना शुरू कर देंगे। ये आपके पास वॉइस क्या आया n log i, आपके पास क्या मौजूद है i, क्या मौजूद है हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस पावर माइनस 6 एंड देन नेक्स्ट बच्चों डाउन टू वर्ड 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस पावर माइनस 12 डीबी ओवरऑल हमने मालूम करना है, डेसिबल लेवल हमने क्या करना है यहां पे अपना मालूम करना है। तो ये डीबी इकाई के तौर पर क्या आता जाएगा आपके पास, थ्री पॉइंट जीरो बेसिकली 3 ही होता है आपके पास, ये अपवर्ड जा गया आपके पास माइनस और ये आपके पास क्या आ गया प्लस 12 डीबी। सॉल्व किया बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया 10 log 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर प्लस 6। अब ये प्लस 6 जो है वो किस में जाती है, लॉग ले लो इसका, पहले जो आपके पास है साइन आपके पास कौन सा आ रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई टर्न इनटू लॉग, लॉगरिथम अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, और अगर हम प्लस मौजूद है तो वो किस में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सेम एज दैट अगर डिवाइड साइन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो बेटा ये देखिए आप लोग 10 log, अब ओवरऑल में यहां पे आपके समझाने के लिए क्या कर देता हूं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये इतना पेयर मेरे पास किस में चला गया ब्रैकेट में चला गया। अब देखिए 10 log क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास 10 log 3 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया बच्चों, log आपके पास क्या आ गया 10 की पावर 6। अब यहां पे भी एक पॉइंट आएगा, जो 10 की पावर 6 है वो लॉग के किधर में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, वो 10 की पावर 6 लॉग के लॉग से पहले आ जाएगी। यानी ओवरऑल वैल्यू आपके पास क्या है 10
log वैल्यू क्या आपके पास 3 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया log, अब ये 6 आपके पास क्या है पावर आएगी किधर आ गई आपके पास शुरू में और ये आपके पास क्या आ गया log 10। और एक बात याद रखिएगा अमूमन log 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। बेसिकली ये करैक्टरिस्टिक्स में आती है log 10 1 के इक्वल है, log 100 2 के इक्वल है, log 1000 3 के इक्वल है, 10000 4 के इक्वल है। ये लॉगरिथम की करैक्टरिस्टिक्स में शुमार होता है इनका। अब देखिए बॉयज वही डेसिबल लेवल आपका जो है वो साथ साथ इंटेंसिटी लेवल चल रहा है। अब देखें 10 log 3 लें क्या आता है बेटा 0.4771 डबल सेवन इतना लिखते हैं ठीक है। अब प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 लॉग 10 की वैल्यू क्या आई 1 6.4771 डी बी। अब ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटे आपके पास क्या आ गया 64.77 करते हैं ना बेटा तो ये आपके पास क्या आता है 64.7 है ना राउंडिंग करने के बाद क्या हो गया 8 अप्रोक्सीमेटली उसकी इक्वल भी है। सवाल में देखो वो कहता है जब इंटेंसिटी लेवल 100 डीबी तक पहुंचता है तो तब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी तो डीबी ओवरऑल ये जो इंटेंसिटी लेवल है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 100 यानी कि इंटेंसिटी लेवल इसी सवाल में L माइनस L नोड वो कितने लेवल तक चला गया आपके पास 100 डीबी तक। अब हमने इस शिद्दत की आवाज तक इंटेंसिटी लेवल चेक करना है वो क्या मालूम करना है हमने I और I नोड जो नॉर्मल रेंजेस तक होता है जो फैंटेस्ट साउंड आपके पास आते हैं नॉर्मल वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है हमारे पास 10 बेस पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर ठीक है। अब हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज मुकम्मल है जिसमें हमने अपना जस्ट क्या मालूम करना है आई इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 100 डीबी वो फार्मूले में पुट की 100 ये आपके पास क्या आ गया 10 लोग फार्मूले का वैसे अप्लाई हुआ आई नोड इंटेंसिटी हमने मालूम करनी सिंपल आई हमने मालूम करनी है आई नोड आपके पास किसकी इक्वल है 10 की पावर माइनस 12 के ठीक है बेटा। अब देखें ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इधर डिवाइड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास है 10 में। नेक्स्ट फर्दर लोग रह गए इधर आपके पास आई 10 की पावर अब जाके आपके पास किस में कन्वर्ट हो गई प्लस में और उसके साथ वो क्या होगा आई के साथ इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई अगेन लॉग के रूल एप्लीकेबल होंगे जो आपके पास के आ जाएंगे लॉग आई 12 आ गया ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया प्लस में तो लॉग के रूल के मुताबिक यानी सपोज कर लिया ये आपके पास क्या है 10 की पावर एन है ठीक है। जब इसका हम क्या लेते हैं लोग तो पावर किधर चले जाती है शुरू में और आपके पास 10 जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो सेम एज डैट आ जाती है ये आपके पास आ गया लोग ये आपके पास क्या आ गया 10 तो लोग 10 मैंने अभी आपको बताया किसकी इक्वल होता है 1 के। सो देन आप लोग देखें कि ये आपके पास क्या आ गया 10 इज इक्वल टू नो लोग आई टेकिंग एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड और सिंपल एज दैट यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 12 ये 12 इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 12 लोग आई क्या बच गया बेटे आपके पास दो तरीके का आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन आएगा माइनस टू
ठीक है बेटे। सो इंटेंसिटी आई सिंपल एज दैट आपके पास रह जाएगा, लोग एंटी लोग को क्या करेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0.01 वाट मीटर या